हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेंट मेरे पास में आया है कि रिवैल्यूएशन का फॉर्म हम फिल करें या फिर हम सीधे ही इम्प्रूवमेंट एग्जाम ऑप्ट करें। तो बच्चों, रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करते हो और आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स आ जाते हैं, जितना आपने सोचा है उतने मार्क्स आपके आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम ऑप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके जो रिवैल्यूएशन का 3 स्टेप का प्रोसेस होता है उसमें भी आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुए हैं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना, तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए जाना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, वो ये है कि रिवैल्यूएशन का प्रोसेस होता क्या है। बेसिकली रिवैल्यूएशन जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में डिवाइडेड है। अब ये तीनों ही स्टेप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो पहली स्टेप है अगर आप वो ऑप्ट करते हो तो ही आप आगे की 2 स्टेप्स के लिए जा सकते हो, आगे की 2 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। तो अब पहली स्टेप क्या होती है? पहली स्टेप होती है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या होता है कि जब आप फॉर्म फिल करते हो तो सिर्फ ये वेरीफाई किया जाता है कि जो मार्क्स आपकी मार्कशीट में आए हैं वही आपकी कॉपी में भी आए हैं, क्योंकि कई बार एंट्री करने में या किसी रीजन से कभी हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, तो सिर्फ वेरिफिकेशन होता है। टोटलिंग ज्यादा से ज्यादा कर लेते हैं कि मार्क्स जो है टोटल वो सही है कि नहीं है आपकी कॉपी में, और वही मार्क्स आपके मार्कशीट में है कि नहीं है। ये पहली स्टेप कंप्लीट। अब अगर वहां पे आपके मार्क्स इंप्रूव हो गए, इंक्रीज हो गए, तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होते हैं तो फिर आप सेकेंड स्टेप के लिए ऑप्ट कर सकते हो। सेकेंड स्टेप क्या होती है बच्चों? तो सेकेंड स्टेप होती है जिसके अंदर आप कॉपी वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पे मंगवा सकते हो। तो आप फॉर्म फिल करते हो, CBSE स्कैन कॉपी आपके ID पे सेंड करता है, और आप और उसके साथ साथ में वो मार्किंग स्कीम भी सेंड करता है। जो कॉपी आपके पास में आएगी मार्किंग स्कीम के साथ में आएगी, मतलब जो क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चन के आंसर्स अकॉर्डिंग टू CBSE लिखे हुए होते हैं, और आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि जो चीज आपने लिखी है और जो CBSE की मार्किंग स्कीम है वो सेम है या नहीं। तो अब ये हो गई सेकेंड स्टेप, आपने यहाँ से वेरिफिकेशन कर लिया, मतलब आपने अपनी स्कैन कॉपी जो आपके पास में आई है उसको मार्किंग स्कीम जो है CBSE की उससे मैच कर लिया है। अगर ये दोनों सही है, उसके बाद भी आपके अगर मार्क्स कम है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको मार्क्स कम दिए गए हैं, जैसे 5 नंबर का कोई क्वेश्चन था, आपने उसको अटेम्प्ट प्रॉपरली किया है लेकिन जो मार्क्स है वो आपके इंक्रीज नहीं किए, मतलब 3 ही मार्क्स दिए हैं और आपका जो आंसर है वो CBSE की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग है, तो फिर आप ऑप्ट कर सकते हो थर्ड स्टेप। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या होती है, जिसमें आप पर क्वेश्चन के हिसाब से चैलेंज कर सकते हो कि जो मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है, उसके बाद भी हमको मार्क्स कम दिए, तो ये थर्ड स्टेप होती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो रिवैल्यूएशन है उस रिवैल्यूएशन में आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या उतने मार्क्स आपके एक्चुअल में इंक्रीज हो पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, एक्सपेक्टेड मार्क्स इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आपको सीधे ही इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए चले जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज है वो ये है कि अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम के थ्रू जाते हो, आपको एक्सपेक्टेड है कि इतने मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे जितने आप सोच रहे हो, तो फिर आप रिवैल्यूएशन के लिए जा सकते हो, और अगर रिवैल्यूएशन में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो फिर आप सीधे इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए जा सकते हो, ठीक है। इस ईयर भी दे सकते हो, नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हो। अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देते हो तो फिर आपको हायर स्टडीज ड्रॉप करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी ईयर देते हो तो इसी ईयर में एक ही सब्जेक्ट में 12th वाले और 2 सब्जेक्ट में 10th वाले अपना इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है।